इस साल होली केमिकल नहीं बल्कि हर्बल रंगों से खेल कर देखिए। ये रंग आपके होली के जश्न में भंग नहीं डालेंगे और ना ही आपके होली के रंग को फीका पड़ने देंगे और ना ही आपको होली खेलने के बाद किसी तरह के त्वचा संबंधित रोग ही होंगे। दरअसल आपके पास इन हर्बल रंगों को खरीदने का लिमिटेड टाइम है, क्योंकि दिव्य अनुभूति मेला सिर्फ 4 मार्च तक चलेगा, जहां पर इन हर्बल रंगों की प्रदर्शनी अनीता शुक्ला जो कि प्रयास ट्रस्ट की ओर से है उन्होंने लगाई है। सामने आप देख सकते हैं इन सभी रंगों को विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के पत्तों को पीसकर बनाया गया है। इन रंगों में खुशबू डालने के लिए चंदन और कपूर का इस्तेमाल किया गया है। अनीता शुक्ला कहाँ से आए हैं? मैं बाराबंकी जनपद से आई हूँ। मुझे बताएं, होली करीब है और होली का खुमार लखनऊ वालों के खिलाफ चढ़ने लगा है, तो ऐसे में लोग अब क्योंकि स्किन को अपनी बचाने के लिए हर्बल कलर की ओर जा रहे हैं, तो ये जो आपके पास कलर है क्या ये हर्बल है और किस चीज से बनाए गए हैं और कीमत क्या है ये बताएं? मैम, प्योर हर्बल गुलाल हम लोग काम करते हैं मैम, और अपने दिव्यांग बच्चों को भी सिखाते हैं। मैं खुद दिव्यांग हूँ। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं प्रयास ट्रस्ट संस्था एक चलाती हूँ, मानसिक मंदित बच्चों का आश्रय गृह निःशुल्क आवास ये चलाती हूँ। उसमें मैं अपने बच्चों को कुछ स्किल की तरफ ले जाने का प्लान करती हूँ। जो बच्चे हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके हाथ सही होते हैं, पैर नहीं सही होते, उनको हम लोग ये प्रोग्राम सिखाते हैं, उनके इसके थ्रू उनको एक बिजनेस भी देते हैं। जैसे आजकल आपको पता है कि होली का समय है, तो सीजनली हम लोग सारा वर्क करते हैं। जैसे सीजन होली का है तो हम लोगों ने नेचुरल हर्बल गुलाल पे काम किया। ये मैम जैसे पालक के पत्ती के जूस का होता है या मकोई के पत्ते के जूस का होता है, चुकंदर के पत्ते के जूस का होता है, उससे मैं जूस कलेक्ट करती हूँ। अमरूद की पत्तियाँ होती हैं और नींबू की पत्तियाँ होती हैं, उनके जूसों को पीस करके और इसको हम इसमें मिला करके प्योर नेचुरल इसको बनाते हैं और इसको मार्केट में फिर सेल करवाते हैं। और इसकी कीमत मैम वही 50-40 ऐसे जाती रहती पैकेट के हिसाब से ग्राम, क्योंकि ये सारा महंगा आता है और ये उससे बनता है मैम जैसे मैदा या आरा रोड से, तो इस वजह से थोड़ा सा कास्टली पड़ता है। मैम जरा सा भी नहीं होगी, और आप खुद इसको ट्राई करके देखिए और कहीं भी आपको एक स्किन पे एक स्पॉट नहीं आएगा, क्योंकि ये कलर ये देखिए मैं हाथ में आपको लेके दिखाती हूँ, ये अभी देखने में आपको ऐसे डार्क सा लग रहा है, बट आप इसको ऐसे झटक देंगे और ऐसे पोछ लेंगे बिल्कुल हाथ में आपको जरा सा भी कहीं कलर नहीं दिखेगा। दिखा आपको कोई कलर? दिखा बहुत अच्छी महक भी है। तो मैम थोड़ा सा मैं इसमें परफ्यूम वगैरह जैसे कपूर वगैरह पीस करके या चंदन वगैरह का पीस करके और उसमें पेस्ट में इसके मिला देती हूँ, तो इस वजह से इसकी खुशबू अच्छी मैं हो जाती है। हाँ मैम, स्टॉल नंबर मेरा यहाँ पे 61 है और हम लोग प्रयास ट्रस्ट से मेरा बैनर लगा हुआ है बाहर, और वो आ सकता है, उसमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैम इसको बनाने के लिए तो हमें एक दिन का पूरा टाइम होता है, क्योंकि धूप में सुखवाया जाता है। पहले इस पेस्ट को मिलाया जाता है, गीला होता है, फिर इसको कुछ मिक्स करके फिर धूप में सुखवा करके फिर मिक्सी में पीस करके फिर हम लोग पैकिंग करते हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।